गुरुवार स्पेशल गरीबों में बांटे ये चीज, श्री हरि हो सकते हैं प्रसन्न। जैसे कि हमने आपको अपनी वेबसाइट की मदद से पहले भी बताया है कि हिंदू धर्म में दिनवार के अनुसार पूजा अर्चना की जाती है। इसी के साथ अगर दिन के मुताबिक शास्त्रों में बताए कुछ खास उपाय आदि कर लेता है तो भगवान की दोगुनी कृपा प्राप्त होती है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके लिए कहीं न कहीं लाभकारी हो साबित हो सकते हैं। बता दें, ये उपाय बहुत ही सरल है, परंतु इन्हें करने वाले जातक को शुद्धता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। साथ ही ये भी बात ध्यान में रखें, इन्हें करते समय आपके मन में पूरी निष्ठा भावना हो। तो आइए देर न करते हुए बताते हैं ये कुछ खास उपाय जिन्हें गुरुवार करने से आपके जीवन में हर तरह की कमी होगी दूर। प्रत्येक गुरुवार व शुक्रवार को नियम से किसी भूखे को भोजन कराएं और गाय को गुड़ खिलाएं। ऐसा नियमित करने से अपनी अचल संपत्ति बनेगी या पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। 5 लाल गुलाब के पूर्ण खिले हुए फूल लें, 1.5 मीटर सफेद कपड़ा लेकर अपने सामने बिछा लें। इन 5 गुलाब के फूलों को उसमें गायत्री मंत्र 21 बार पढ़ते हुए बांध दें। अब स्वयं जाकर इन्हें जल में प्रवाहित कर दें। हर संकट से मुक्ति मिलेगी। इस दिन श्री हरि के पूजन के साथ साथ पूरा दिन उपवास करें। इससे शीघ्र आपकी सभी समस्याएं खत्म होंगी। अपने घर, दुकान या शोरूम में एक अलंकारिक फव्वारा रखें। उसके साथ एक मछली घर जिसमें 8 सुनहरी व 1 काली मछली रखें। इसे उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर रखें। यदि कोई मछली मर जाए तो उसको निकालकर नई मछली लाकर उसमें डाल दें। एक तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। उस पात्र को सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। प्रातः काल जल को तुलसी के पौधे पर चढ़ा दें। धीरे धीरे परेशानी दूर होगी। चक्की पर गेहूं पिसवाने जाते समय तुलसी के 11 पत्ते गेहूं में डाल दें। एक लाल थैली में केसर के 2 धागे और थोड़े से गेहूं डालकर मंदिर में कुछ हिस्सा रखकर कुछ वापस लाकर पिसवाने वाले गेहूं में मिला दें। धन में बरकत होगी और घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा।